क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 122। माय डियर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जिसके अंदर बोला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लेक्चर हॉल, हायर चार्जेस, मिसेलेनियस इनकम, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन को छोड़ के बाकी सारे आइटम कहां पर आएंगे? इनकम में। सैलरी, रेंट, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, असेट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, बुक्स, असेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, 18-19 बोला है ना, तो पिछले साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, तो पिछले साल का माइनस, बैलेंस कैरी डाउन असेट, दैट इज कैश माना जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल मेड टू यू। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दिया गया है। ऑन 31 मार्च 2019 लाइब्रेरी हैड अ फॉलोइंग असेट्स। कुछ असेट्स उसके पास ऑलरेडी है जैसे बुक्स, फर्नीचर एंड मशीनरीज। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू 500। सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट, आउट सैलरी और रेंट पे टिक मार्क कर दो। 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, उस पर टिक मार्क कर दो। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, उस पर टिक मार्क कर दो। लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज डेप्रिशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बुक्स पर डेप्रिशन टिक मार्क आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट वेर परचेज ऑन 1/4/2019 दे कैरीड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, इन्वेस्टमेंट पर भी टिक मार्क आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा और पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने बार बार कहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जब भी ये सवाल कराया है तब तक मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी किसी भी तरीके के एनपीओ के सम के अंदर आपको सबसे अहम कोई अगर आइटम होगा तो वो आइटम कौन सा है? कैपिटल फंड। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड ही नहीं दिया है। इसका मतलब आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ेगी सर? ओपनिंग बैलेंस शीट। इसका मतलब पिछले साल की दी गई सभी जानकारियों को आपको यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको बैलेंस शीट क्रिएट करना पड़ेगा। समझा? समझे इसका? पक्का? आगे बढ़े। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नीचे आओ, एडजस्टमेंट की तरफ आओ। पहला कुछ दिया है ऑन 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 पिछले साल का क्लोजिंग इस साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कुछ लाइब्रेरी के पास असेट्स है, कौन कौन से असेट्स है बेटा? बुक्स असेट में आ जाएगा। कितने का असेट में लिखो? फर्नीचर भी उसके पास है 6,500। उसके पास कुछ मशीन्स भी है। पक्का? तीन ही आइटम, तीन असेट दिए थे, वो तीनों असेट्स को हम लोगों ने लिखा। अब आपको सबको पता होगा फाइनल अकाउंट से लेके पूरा 12th का सिलेबस खत्म होने के लिए सब कुछ हो गया, रिविजन सीरीज सब चालू है, लेकिन अभी तक ये तो पता होगा एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं। दो इसका एक ही इफेक्ट आ सकता था, लेकिन हमें कैपिटल फंड निकालना है इसलिए इसके भी कितने इफेक्ट हो गए? दो। बुक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये सारे के तीनों आइटम कहाँ आएंगे? इनर कॉलम में। कौन से कॉलम में? इनर कॉलम में। चेक करो रिसिप्ट एंड पेमेंट में बुक्स, फर्नीचर और मशीनरी आया क्या? बुक्स आया है, फर्नीचर नहीं आया है, मशीनरी आया क्या? नहीं आया है। ठीक है, तो फिलहाल बुक्स लिखते हैं इनर कॉलम में। हाउ मच? 50,000। इधर इधर वाला, इधर वाला ये उठा के पहले लिख रहे। फर्नीचर 6,500 और फिर मशीनरी 30,000। फिलहाल तीनों को मैं इनर में लिखता हूं, इफ देर इज एन एडजस्टमेंट काम आएगा, नहीं लिखा तो आउटर में डालेंगे। क्लियर है क्या?
क्या आपको एडजस्टमेंट के फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई डिफिकल्टी है? ओ माय डियर्स, फर्स्ट सेंटेंस में कोई डिफिकल्टी है क्या? पिछले साल का असेट है, वही इस साल भी क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। पिछले साल का असेट इस साल भी क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड। पिछले साल की बैलेंस शीट में इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्या निकालना है सर? कैपिटल फंड। हमें क्या निकालना है? बिकॉज बिना कैपिटल फंड के हम लोग सम कर सकते हैं क्या? नहीं। इसे इस निकम्मे को निकालने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। हाँ, गाना गाना, निकम्मा किया इस कैपिटल ने, करना पड़ेगा। तो उसके लिए पिछले साल के जितने भी असेट्स है उसको कैरी लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल। पक्का? आगे देखते हैं। सेकंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन क्या बोला सर? तो वो सब्सक्रिप्शन के साथ हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी रेंट, वो सैलरी और रेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि पिछले साल से कुछ जुड़ा हुआ है क्या, वो देखना है। 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, ये भी हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड। तो भाई साहब इधर डेप्रिशिएशन मारना पड़ेगा कि इधर ऊपर, क्योंकि इस साल का कर रहे हैं ना अपन। लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1st अप्रैल, चेक कर ऊपर फर्नीचर लाइब्रेरी बुक्स दिया क्या? देख रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो उसने कहा है कि हमने नई नई किताबें भी खरीदी है। अरे यस और नो? कितना? 5000। कितने का खरीदा बेटा? 5000 रुपए का खरीदा। वो 5000 की किताबें कब खरीदी आपने? 1st अप्रैल को खरीदी। कभी खरीदे? 1st अप्रैल को खरीदी। समझ में आ रही बात? ओके, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए आएगा। अरे समझ में आ रहा बात? आगे देखते हैं। द इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज ऑन 1st अप्रैल, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो पूरे साल के लिए आएगा, ना कि कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए। क्लियर है क्या? हाँ है ना। नाउ कम टू एडजस्टमेंट ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट। पिछले साल का तो फिलहाल इधर तीन ही आइटम दिखाई दिया, बुक्स फर्नीचर और मशीनरी। कम टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट, पहला आइटम क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको पिछले साल का कैश बैलेंस भी कहा जा सकता है। कितना? हमेशा हम इसे इग्नोर करते थे क्योंकि इसका बड़ा भैया इधर दिया रहता था ना हमेशा। इस बार बड़ा भाई गायब है तो छोटे भाई को लेना पड़ेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, भाई साहब एडमिशन फीस 4500। इनर कॉलम में क्यों लिखा सर? देयर इज एन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, क्या बात करते हो? उसके बाद मिसेलेनियस इनकम, हाउ मच? 250। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच? ओहो ओहो हो हो, इनर में क्यों लिख रहा हूं? इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी निकालना है ना, वो सब कुछ अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। माय डियर, आपको इतने में कोई दिक्कत है? सेकंड पार्ट पेमेंट वाले पे आओ। पहला क्या दिया है? क्या टिकमक है? कितना है? इनर कॉलम टू रेंट, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट 6000, टिक मार्क। आउटर कॉलम 1350, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टिक मार्क।
हाँ बेटा आई एम नॉट चिट्टी, सो आराम आराम से बोलिए। बुक्स ऑलरेडी प्लस कर दिया हमने। नेक्स्ट, पिछले साल का किस साल का? पिछले साल का, यस और नो? करंट ईयर का नहीं है, पिछले साल का। पिछले साल का कार्यक्रम पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा। एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, इसलिए लायबिलिटी साइड में 500। उसके बाद बैलेंस क्रेडिटर मतलब कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस कितने? 4,650। क्या आप बालक और बालिकाओं को इतनी बातें समझ में आई? पक्का श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, आगे बढ़े। कितने प्रतिशत भारतीयों को इतने में दिक्कत है? देखो भाई, मैं हमेशा से जो भी सम करा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, कोई भी ऐसा रैंडमली उठा के नहीं भर रहा। ये तो कल हम लोग ने ये किया था, आज हम लोग ये करेंगे, ऐसा नहीं है। रैंडमली जा रहे, पहला मैंने हमेशा सिखाया, चलो मान लो ये आइटम तुमको नहीं भी है, भूल जाओ, नहीं आता है, बट पोस्टिंग तो आता है। पोस्टिंग का 4-5 एडजस्टमेंट भी कर लिया तो एटलीस्ट आपके मार्क्स 12 में से 7-8 तो मिल जाएंगे आराम से। पोस्टिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, डेप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन, ये सब तो पहले से बेसिक से करवाया है। उतना भी किया तो आप लोग 12 में से 6-7 तो पहले मिलना चाहिए, उसके बाद जितना लाए वो अपना परसेंटेज। पहला पासिंग, उसके बाद परसेंटेज। चलो एडजस्टमेंट में, पहले एडजस्टमेंट पे आ गए जिसमें अपने को लाइब्रेरी के पास कुछ असेट्स है जिसके इन्फॉर्मेशन हमने पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखी और इसका सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी डाला था, बिकॉज एडजस्टमेंट हैविंग टू इफेक्ट्स। आगे बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस प्लस या माइनस? माइनस। सोनम इतने देर से बता रहा था प्लस कहे बोलती हूँ, ऐसा मत बोला करो ना। एडवांस एड बोल रही है पगली, लाएगी का? अरे आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड, प्रीपेड का सोनू एडवांस बोलते हैं, सोनू मोनू दो भाई। प्रीपेड को क्या बोलते हैं? एडवांस। आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? रिसीवेबल, पेएबल। समझा? रिसीवेबल बोला तो भी प्लस, पेएबल बोला तो भी प्लस, आउटस्टैंडिंग बोला तो भी प्लस, प्रीपेड मतलब माइनस, एडवांस बोले तो माइनस, है ना? ये दोनों माइनस। डेप्रिसिएशन माइनस, एप्रिसिएशन प्लस, इंटरेस्ट प्लस, डिस्काउंट माइनस, बैड डेट्स आरडीडी माइनस, और क्या चाहिए? अब आ जाओ, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो 20,000 में से 500 गया बेटी, समझा? जिसको इसके सेकेंड इफेक्ट में डाउट है वो क्या फॉलो करेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि महारिविजन आने वाला है। चलो जान दो सर, क्रेडिट में क्या किया अपन ने? क्रेडिट में अपन क्या कर रहे सर? माइनस। क्रेडिट में आपने माइनस किया तो माइनस किसके अंदर आ रहा है? लायबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हाउ मच? 500, यस और नो? दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट। सैलरी में सैलरी को ऐड करोगे, रेंट में रेंट। ऐड आउटस्टैंडिंग, हाउ मच? सैलरी कितना है सर? 1300, 10,300 आ गया। रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है? 950। आउटस्टैंडिंग 950, इफ यू टेक द टोटल 8450। प्रॉब्लम नाउ, इट्स टाइम फॉर सेकेंड इफेक्ट। तो सेकेंड इफेक्ट याद करने के लिए, डेबिट में क्या किया आपने? प्लस। डेबिट में क्या किया? प्लस। तो अगर आप डेबिट में प्लस कर दो तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, ठीक है? किसी किसी का क्या होता है, एडजस्टमेंट से 36 का आंकड़ा होता है, बोलते सर 36 से 56 का आंकड़ा है। बेटा जो भी आंकड़ा है, ये लाइफ लाइन याद रहेगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सैलरी कितना? 1300 और रेंट
950. टेक द टोटल ऑफ दिस 2250. दिक्कत है क्या? थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज प्लस या माइनस 50% कैपिटलाइज कितना 2250, तो बाहर भी कितना आएगा 2250. ये कैपिटलाइज किसके साथ प्लस होता है बेटा? कैपिटल फंड प्लस एडमिशन फीस 2250. आज जब आएगा तब निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अरे समझा, एडमिशन फीस कैपिटलाइज होता है, कैपिटलाइज प्लस होता है कि माइनस होता है? हमेशा माइनस. सेकंड इफेक्ट, कैपिटल फंड में प्लस. आगे बोलो. फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट द रेट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन प्लस या माइनस 10%. 650 माइनस कर दे बेटी 5850. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? अभी कैलकुलेट करके बताओ कैसे निकालने का. वो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर वो पीछे से बैठा है कि देख रहे हो कैसा लिख रहे सर, कैसे आया 10%, ऐसा लिखने का बेटा. हाँ, 6500 मल्टीप्लाय 10/100. अंजू को अंजू से काटा, मंजू को मंजू से काटा, जो बच गया तेरा गंजू हो गया, मतलब आंसर हो गया, ठीक है? तो आप माइनस भी करना सिखाओ कर लेंगे ना. हाँ, इतनी गजब बेइज्जती मत करो सर. हो गया इतना, आगे बोलो. सेकेंड इफेक्ट डाला क्या? ओ माय गॉड, डालो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है. डेप्रिसिएशन किस पे बेटी? फर्नीचर. कितना? ओके, लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1st April 2019 एंड द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%. तो बेटा बुक्स दोनों प्लस कर दे, पहले 55,000 आ गया. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन बोला कितना परसेंट है? 10. 5500 आ गया. इफ यू माइनस 49,500, प्रॉब्लम है क्या? अब दिक्कत की बात ये नहीं है, दिक्कत की बात यह है कि माइनस तो कैसे किया है. सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दो लाइब्रेरी बुक्स थी, इस पे तो 12 महीने के लिए आता ही था, बट जो दूसरा 5000 है उसकी डेट भी आपको मेंशन है. जनरली ऐसा होता नहीं है. आपको मैंने बताया था कि अगर कोई फर्नीचर है या कोई बुक्स है उसका ओपनिंग का डेट और एडिशन, ओपनिंग तो 12 महीने पे आना ही आना है, बट जो एडिशनल का डेट दिया रहेगा उसको डेट के हिसाब से सॉल्व करना है. लकीली इसका डेट 1 अप्रैल ही है, तो वो भी कितने महीने के लिए आ गया? 12, इसलिए दोनों को प्लस कर दिया. दोनों को क्या कर दिया? प्लस. तो 55,000 का 10% कितना का? 5500 माइनस किया 49,500, ठीक है? अब डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा सर? डेबिट साइड में. बुक्स 5500, समझा? अरे ऐसा नो, अरे डेट अलग दिया होता तो अलग कैलकुलेट करता. 50,000 का 10% 12 महीने के लिए, 5,000 का 10% डेट के हिसाब से सॉल्व करता. इसके अलावा है क्या? कभी कभी क्या होता है, किसी किसी टाइम पे कोई मॉडरेटर या कोई पेपर बनाने वाला रहता है ना, वो इजी पेपर बनाने के चक्कर में कभी कभी एकदम गेम खेल देता है. ऐसा एक बार हो चुका है कि ये जो एडिशन वाला पार्ट है ना, एडिशन ऑफ द फर्नीचर, पहले चैप्टर हुआ करता था सिंगल एंट्री, वहां पर भी उसने एडिशन डाला, फाइनल अकाउंट में भी डाला, एनपीओ में भी डाला. तो ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 जगह पे एडिशन आ गया और बच्चे लोग कंफ्यूज होके आते हैं. कंफ्यूजन आप खुद पैदा करते हो. सिंपल सा चीज़ है, जो ऊपर दिया है यानी जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो 12 महीने के लिए आएगा, और जो नीचे तारीख दिया है जो नया वाला है वो डेट के हिसाब से आएगा. तो 50,000 का 10% 12 महीने के लिए, 5,000 का 10% तारीख के हिसाब से, वो तारीख अप्रैल है, तो अप्रैल से मार्च कितना महीना? 12 महीना. अगर वो 1 अप्रैल की जगह पे 1 अक्टूबर होता 6 महीना, 1 जुलाई होता 9 महीना, 1 जनवरी होता 3 महीना. 3, 6, 9 और 12 के इसमें घुमाएगा तुमको, बस तारीख भी तो इंपॉर्टेंट है. आगे बोलो. द इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज ऑन 1/4/2019
एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, छह हजार है, कितना परसेंट? 20%. तो 20% मतलब 20/100. अब अप्रैल में खरीदा है ना इन्वेस्टमेंट, अप्रैल से लेके मार्च कितना महीना होता है? 12 महीना, एक साल पूरा. तो 12/12 मतलब नहीं लिखा तो भी चलेगा, इतना तो क्लियर है ना. अब जरा कैलकुलेट कर दो, 0000 कैंसिल, 6 × 2 = 12 होता है. यस और नो? अगर मेरे क्वेश्चन में ये वाला इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो मैं यहां पे 1200 प्लस करता, बाहर लिखता 7200. लेट मी क्लियरली से, मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट मेरा कितना आया? 1200. कितना आया? 1200. अगर मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट नहीं देता तो मैं क्या लिखता? प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? 1200, और बाहर लिखता 7200. सेकेंड इफेक्ट यहां पर आता 1200 रुपए के लिए. कितने रुपए के लिए? 1200. सुनो, सीधा लिखता इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 1200. हाँ है ना, लेकिन क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, पक्का? कितना दिया है? 900. तो बेटा 900 और 1200 पे कितने का फर्क है? 300. यानी मुझे सिर्फ 300 का इफेक्ट डालना है. कितने का इफेक्ट डालना है? 300 का. अरे यार, समझा कि नहीं समझा? 6300. बात समझ में आ रही है? वापस बोला, क्या कह रहा हो समझो. इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होता तो 1200 का दो इफेक्ट आता. कितने का आता? 1200 का दो इफेक्ट आता. 1200 असेट में भी आता, 1200 मेरा इनकम में भी आता. बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया गया है, कितना? 900. मतलब इस साल का इंटरेस्ट कितना बनता है सर? 1200, जिसमें से आपको कितना मिल गया है? 900. कितना मिलना बाकी है? 300. तो 300 का दो इफेक्ट आएगा. बेटा जो मिल गया उसको डकार नहीं मारने का, नहीं सर वो तो मुझे मिल गया. अरे मिल गया ना तो 9 समझो, 12 महीने का 1200 रुपया होता है, एक महीने का 100 रुपया. तुमको 9 महीने का इंटरेस्ट जो मिल चुका है, तुम 12 महीने का वापस से खड़े हो गए दो मेरे को 12 महीने का, नहीं वो क्या बोलेगा? एक महीने का 100 रुपया. तो 12 महीने का, तो मुझे पता है ना 12 महीने का 1200 रुपया होता है. तो ये इनकम में क्या लिखेगा? 1200 रुपया, जिसमें से मुझे कितना मिल गया? 900. तो 300 बाकी है, तो वो 300 का ही दो इफेक्ट डालना है. ये 1200 कैसे आया सर? 6000 का 20%, 1200 होता है. मेरे इनकम में कितना है सर? 1200 इनकम है, 900 मुझे मिल गया, तो बचा कितना? 300. 300 मिलना बाकी है, जो मिलना बाकी है उसी का सेकेंड इफेक्ट आएगा. सर ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होता तो 1200 प्लस करता, इसका सेकेंड इफेक्ट भी 1200 ही आता, ना कि 300 का दो इफेक्ट डालते. समझा? अरे यस और नो? इसके अलावा कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं. टैली करने के लिए जाओगे, लेकिन सबसे पहले किसको टैली करने का सर? पुरानी बैलेंस शीट को. टेक द टोटल, तो माइनस किया तो 500, तो कैपिटल फंड हो गया 91,000. हो गया क्या? सो टेक द टोटल, जितना भी बालक है वो सर डेबिट का करो, क्रेडिट का देखो. मशीनरी के ऊपर कुछ नहीं बोला था तो उसको आउटर में लिखो. डेबिट का टोटल कितना है? 27. डेबिट का 27,100 है. हाँ, और क्रेडिट का 27,400. माय डियर देखो, डेबिट का टोटल 27,100, क्रेडिट का टोटल 27,400. कौन सा बड़ा है? सब बोलते हैं टैली करने नहीं आता है. क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम करते नहीं है. सिंपल सा फंडा है, मैंने हमेशा बताया. ये मत देखो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तुमको इसको कॉलेज में ये बोलते हैं ना कि कौन सा बड़ा पहले वो देखो, उसके लिए पहले ये पता करो. ये थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में सिखाते हैं, मालूम है कि नहीं? दो नंबर लिखो, पता चलेगा बड़ा कौन सा छोटा नंबर. तो डेबिट का टोटल क्या था? 27,100, और क्रेडिट का टोटल क्या था? 27,400. कौन सा बड़ा है? तो क्रेडिट बड़ा. तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख, पक्का?
अब कौन सा छोटा है? डेबिट छोटा है, तो डेबिट के यहाँ पे ऐसा ग्राउंड मारो। कितना छोटा है? 300 रुपया। कितना छोटा है? 300। यहाँ पे लिखो टू सर प्लस कैरिड डाउन, बोले तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर प्लस प्लस या माइनस? प्लस, प्लस सर प्लस 300 93 550। टेक द टोटल ऑफ दिस। अब बैलेंस शीट है तो बड़ा छोटा नहीं, दोनों साइड सेम आना चाहिए। 96 300। इसका भी दोनों साइड सेम आ रहा है, मतलब अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वैरायटी क्या थी? बैलेंस शीट में अपने को कैपिटल फंड नहीं दिया था। इफ देयर इज नो बैलेंस शीट, कैपिटल फंड इज गिवन, वी हैव टू मेक द ओपनिंग बैलेंस शीट। समझा? पक्का? कितना भी टफ सामान है दो, दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको पोस्टिंग आनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग, प्रिपेयर्ड, डेप्रिसिएशन, ये सब करके भी आप मार्क्स निकाल सकते हो। डिफिकल्टी है? पक्का? कॉपी।